हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल स्टडी यूनिवर्स में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार डिप्टी कलेक्टर DSP सहित 330 प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 12/1/2020 में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह 12 जनवरी 2020 से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। यानी सभी जिलों को केंद्र बनाया गया है इस परीक्षा में। दोस्तों, आपको बता दें, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वह 20 नवंबर से 9 दिसंबर तक के बीच में भरे जाएंगे। यानी अभी जो 20 नवंबर 2019 से 9 दिसंबर 2019 तक के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप mppsc.nic.in से भी ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आपको इस परीक्षा का जो शुल्क है वह ST, SC और OBC कैटेगरी के लिए ₹750 होगा और जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं उनके लिए यह फॉर्म फीस जो होगी वह ₹1500 रखी गई है। वहीं दोस्तों, वन सेवा परीक्षा में भी ST, SC और OBC कैटेगरी के लिए ₹750 रखी गई है और जनरल अदर स्टेट के लोगों के लिए ₹1500 रखी गई है। दोस्तों, अगर आप ये दोनों परीक्षाएं राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा एक साथ देते हैं, यानी इनका फॉर्म एक साथ फिल करते हैं, तो आपको टोटल ₹1000 देने पड़ेंगे। यानी ST, SC और OBC कैटेगरी के लिए ₹1000 देने पड़ेंगे और वहीं जनरल और अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए ₹2000 देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें एज की, तो आयु सीमा 20 वर्ष मिनिमम रखी गई है और 40 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। दोस्तों, 40 वर्ष के साथ आपको मध्य प्रदेश में जो भी OBC ST आरक्षण प्राप्त कैटेगरी हैं उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के सिलेबस की। तो आपको इसमें हिस्ट्री, संस्कृति, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसे हम भूगोल कहते हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, साथ ही मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति जिसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं यह भी पूछी जाएगी आपके आने वाले एग्जाम में, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य के बारे में भी इस पूछा जाएगा, साइंस विज्ञान के बारे में, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था, साथ ही दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा इस एग्जाम में, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों के बारे में, शहरी क्षेत्रों के मुद्दों के बारे में, कृषि पर आधारित प्रश्न और उद्योग के पर आधारित प्रश्न के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। यानी दोस्तों, इसका यह सिलेबस है। इसके साथ ही दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग ये भी सिलेबस में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जरूर बैठें। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं बुक्स की। तो दोस्तों, मैं ऐसे किसी भी बुक्स को प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि अगर बुक्स प्रेफर की जाती हैं दोस्तों तो कोई भी पढ़ के पास हो जाता है। तो दोस्तों, इतना नहीं है, मध्य प्रदेश लोक सेवा इतना इजी नहीं है कि आप किसी भी बुक को पढ़ लें और पास हो जाएं। तो दोस्तों, अभी तक आप जितनी तैयारी करके आ रहे हैं आप उसे कंटिन्यू रखिए। 12/1/2020 को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें दोस्तों छटनी हो जाएगी, जो जो व्यक्ति के नाम आएंगे सिर्फ वही अगले पेपरों के लिए पात्र होंगे। और दोस्तों, आने वाले जो समय है उसमें आपके 6 एग्ज़ाम होंगे मध्य प्रदेश MPPSC के। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।